तो हमें ये तीसरा पार्ट है, इसी में हम बताएंगे जो प्रॉब्लम था ड्रेन नहीं हो रहा था, ये डिजिटल इन्वर्टर डीडी मोटर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था ड्रेन नहीं हो रहा था। जो भाई लोग ने पीसीबी रिपेयर के लिए दिया है उनको, वो अच्छा टेक्नीशियन है बट उनको पता नहीं है, उनको लगा है जो पीसीबी से प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्रेन मोटर ठीक है, ये जो ड्रेन कॉन्टेक्टर मोटर है ये ठीक है और यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग चेक किया प्रॉपरली, इनलेट वाल्व में सप्लाई आ रहा है, बट ये जो येलो कलर का वायर देख रहे हैं आप, इसी में भी एक येलो कलर का वायर है। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होके ये खराब हो गया, तो हम लोग इसको ठीक किए। ये ठीक करने के बाद अभी हम इसको टेस्ट करेंगे स्पिन मोड में। चलो हम इसको टेस्ट करते हैं, हम लोग पीसीबी को ऑन करेंगे अभी। और हमेशा एक चीज़, ये जो मैग्नेटन लगा है इसमें मैग्नेट है, ये दो सेंसर है, डोर सेंसर है, इसको इसको एक ही जगह पे मैग्नेट के पास रख दीजिएगा आप लोग टेस्ट के लिए। तो मैं ऑन करता हूँ, ऑन किया, अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, वॉश को वॉश कैंसिल कर दे, रिंग को कैंसिल करता हूँ। अभी स्पिन में देखो, अभी ड्रेन मोटर चालू हो गया। तो प्रॉब्लम ये था, अभी देख पा रहे हो ना, ड्रेन मोटर चालू हो गया। तो प्रॉब्लम हमें क्या था, प्रॉब्लम था ये जो वायर आ रहा है, ये जो पीसीबी से येलो कलर का जो वायर आ रहा था ये खराब था, मतलब डैमेज हो गया था बीच में से। तो हमें ये जो कंटिन्यू टेस्टर, इसमें हमेशा वायर को टेस्ट करो, चेक करो अच्छा से प्रॉपर तरीके से, तो आपको पता लग जाएगा। और एक चीज़ है, कोई भी पीसीबी जल्दी ख़राब नहीं होता, और जो ख़राब होता है उसका जो पार्ट है, आप अगर वायर को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे जाओगे तो आपको भी थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा। अगर नॉलेज नहीं आता, अगर कोई पता नहीं चलता, तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम बता देंगे। और आपको भी जो भी प्रॉब्लम है पीसीबी में, कोई भी पीसीबी भी हो, चाहे फ्रंट लोडिंग हो डीडी मोटर, चाहे टॉप लोडिंग हो डीडी मोटर, ये जो इन्वर्टर माने मॉडल का जो सर्किट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं। आपके लिए हम लोग हमेशा वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाने का मकसद ये है, जैसे सब्सक्राइब लाइक करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ प्रॉब्लम बताओ, हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो ये हमारा वीडियो था, जो डेन मोटर नहीं चल रहा था बट डेन मोटर ठीक था और किसी भी से सप्लाई नहीं आ रहा था, इसके वजह ये था कि यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा था लेकिन दूसरा जो सिग्नल नहीं मिल रहा था। क्या हुआ था, ये जो येलो कलर का वायर जा रहे डेन मोटर में, इसी में एक वायर ब्रेक हो गया था अंदर से, इसलिए पता नहीं चल रहा था। ठीक है, थैंक यू।